हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। हमारी आधुनिक काल पर चर्चा चल रही थी, कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़ लिए थे। आज हिंदी कविता का जो विकास है आधुनिक काल के अंदर, उस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आधुनिक काल में जो हिंदी कविता का विकास हमारे प्रारंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से, यूं कहें कि भारतेंदु काल से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भारतेंदु काल। इसका दूसरा नाम मिलता है हमें पुनर्जागरण काल, जो नगेंद्र ने दिया था। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। नगेंद्र के अनुसार इसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 तक मानी गई है, और वही सुख के अनुसार 1843 से मानी गई है। लेकिन जो ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि जब इनका भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में, तो वहीं से भारतेंदु काल की समय सीमा प्रारंभ हो जाती है 1850 से 1900 तक। ज्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं। अब भारतेंदु की बात करते हैं तो इनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बहुत ज्यादा सृजन कर दिया, बहुत अधिक सृजन किया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल इतनी सी उम्र में यूं समझो कि 15-20 साल तक तो अनभिज्ञ रहे होंगे, फिर बाद 15 और 20 सालों के अंदर इतना साहित्य सृजन कर दिया। देखते हैं मूल नाम की बात आए तो हरिश्चंद्र इनका मूल नाम था। पिता गोपाल चंद्र, जो रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास नाम से रीतिकाल के अंदर सृजन करते थे। उर्दू में ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान रखें, उर्दू के अंदर रसा उपनाम से, रसा तकल्लुस से ये भारतेंदु रचनाएं करते थे। भाषा की बात करें तो ज्यादातर साहित्य इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, और फूलों का गुच्छा और दशरथ किला दो रचनाएं हैं, दो संग्रह जो खड़ी बोली में रचित है। वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग में दीक्षित। अगर बात आए कि भारतेंदु के संप्रदाय में दीक्षित हुए तो आप वहां पे करोगे वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित हुए थे। आधुनिक काल व हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य या आधुनिक काल के जनक की कहीं बात आए तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र वहां पे करोगे। रचनाओं की बात करें, लगभग इन्होंने 70 काव्य संग्रह का सृजन किया और 17 नाटकों का, 70 काव्य संग्रह और 17 नाटकों का। आधुनिक काल में गद्य विधा की शुरुआत नाटक से मानी गई है कि जो गद्य विधा है ये नाटक से इसकी प्रारंभ माना गया, नाटक से इसकी शुरुआत मानी गई। इनकी जो ग्रंथ है प्रमुख, वैसे तो बहुत सारे प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं, वेणु गीत, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग और बकरी विलाप। इसको ध्यान रखें, कुछ अलग से ही नाम है, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, नए जमाने की मुकरी, इसको भी ध्यान में रखें, उर्दू का श्यापा, वर्षा विनोद और बंदर सभा, ये इनके कुछ ग्रंथ हैं। और ये तीन ग्रंथ और है, भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैसाख महात्म्य, ये है भक्ति संबंधित ग्रंथ है। ये तीनों के तीनों भक्ति संबंधी ग्रंथ है, भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैसाख महात्म्य। भारतेंदु के काव्य ग्रंथों के प्रमुख कथन है, कई बार सीधे सीधे कथन दे दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं ये किस रचनाकार के कथन है, ये प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछे गए। पहला कथन देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये कथन भी कई बार पूछा गया है। मेरो तो एक ही साधन जग नंदला वृष भानुजा या वृष भानु कुमारे, ये कथन भी कई बार पूछा गया है। तरनी तनुजा तमाल तट तरुवर बहु छाए, ये कथन भी इन्हीं का है। भीतर भीतर सब रसु से सब सब मिली भारत आई, ये बार दुर्दशा से लिया गया, से सब सब मिली भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये सारे के सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कक्षा पसंद आती है
तो फर्स्ट ग्रेड नेट और सेकंड ग्रेड की निशुल्क तैयारी हेतु हमारे चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी की निशुल्क मदद हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।